अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मज़हर मेऊ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने बनाई है कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक जो पाकिस्तान के तीन बैट्समैन हैं टॉप रन जिन्होंने किया है उनके मैंने बारे में ये वीडियो बनाई है, यानी टेस्ट में जिन तीन बैट्समैन ने ज़्यादा रन्स किया है और वनडे क्रिकेट में जिन तीन बैट्समैन ने ज़्यादा रन किया है और T20 में जिन बैट्समैनों ने ज़्यादा रन्स किया है। ठीक है, उन तीन तीन बैट्समैन की बनाई है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते हैं कि पहले टेस्ट मैच में पहले नंबर पर हारिस सोहेल है, इसने 550 रन्स बनाए हैं, और दूसरे नंबर पर बाबर आसम है, इसने 539 रन्स बनाए हैं, और तीसरे नंबर पर असद शफीक है, इसने 523 रन्स बनाए हैं। वनडे में पहले नंबर पर फ़खर जमान है जिसने 875 रन्स बनाए हैं, दूसरे नंबर पर इमामुल हक है जिसने 672 रन्स बनाए, तीसरे नंबर पर बाबर आजम है जिसने 509 रन्स बनाए। तो T20 में फ्रेंड्स, फ़खर जमान है पहले नंबर पर जिसने 576 रन्स बनाए हैं, दूसरे नंबर पर बाबर आजम है जिसने 563 रन बनाए हैं, और तीसरे नंबर पर शोएब मलिक हैं जिसने 357 रन्स बनाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, मैं आगे अब अगली वीडियो में दूसरी टीम्स के थ्री बैट्समैन्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं हर टीम के थ्री बैट्समैन्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक की बस यही अपडेट है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।